को सरेआम गोली मार कर दिया लूट की वारदात को अंजाम। एसपी सिटी अखिलेश भदौड़िया ने घटनास्थल पर पहुंचकर घटनास्थल की छानबीन। मुरादाबाद थाना कटघर क्षेत्र के रहमत नगर सूर्यांश पब्लिक स्कूल के करीब लुटेरों ने एक व्यापारी को गोली मारकर उसके पास मौजूद नकदी लूट ली और फरार हो गए। सूचना मिलने के बाद एसपी सिटी अखिलेश भदौड़िया सीओ सिविल लाइन आशुतोष तिवारी जिला अस्पताल पहुंचे और घायल हुए व्यक्ति का इलाज शुरू कर दिया गया। बताया जाता है कि जिला रामपुर के थानागंज के इलाके मौला कलई निवासी अंसार हुसैन का 35 वर्षीय बेटा दानिश बाइक द्वारा मुरादाबाद व्यापार के सिलसिले में किसी से रुपए की लेन देन करने आ रहा था। रास्ते में जीरो पॉइंट से निकलने के बाद रहमत नगर सूर्यांश पब्लिक स्कूल के सामने उसके ऊपर अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग कर दी। ताबड़तोड़ दो गोलियों की तेज आवाज से सड़क पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। देखा दो गोली लगने के बाद दानिश बाइक से नीचे सड़क पर गिर पड़ा था। चीख पुकार सुनकर किसी ने सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही थाना कटघर की पुलिस मौके पर पहुंच गई और एम्बुलेंस के माध्यम से घायल दानिश को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि दानिश की एक गोली ठीक दिल के पास लगी है और दूसरी गोली बगल में बताई जा रही है। गोलीबाजी की खबर मिलती ही एसपी सिटी अखिलेश भदौड़िया सीओ सिविल लाइन आशुतोष तिवारी भारी पुलिस फोर्स के साथ जिला अस्पताल पहुंच गए हैं और घायल दानिश से लुटेरों की जानकारी हासिल की जा रही है। जिला अस्पताल पहुंचे एसपी सिटी ने फिलहाल कुछ कहने से साफ इनकार कर दिया है। दो गोली लगने के बाद घायल दानिश की हालत नाजुक बनी हुई है। सबसे घातक गोली उसके दिल के पास लगी बताई जा रही है। लोगों व पुलिस की सूचना पर एम्बुलेंस लेकर मौके पर पहुंचे एम्बुलेंस के EMT हेम सिंह ने बताया कि दानिश के दो गोलियां लगी हैं। आपका? मेरा शाबिज। शाबिज जी, कौन है ये आपको? ये मेरा भाई है छोटा। क्या नाम है? दानिश। क्या काम करते हैं? बुरखा का काम है। बुरखे सिलाई रामपुर में। रामपुर में जी। कौन सा थाना क्षेत्र? थानागंज। थानागंज जी। आज क्या हुआ इनके साथ? इनके अभी मेरे पास 3-4 बजे के टाइम में मेरे पास कॉल आई कि इनके किसी ने गोली मार दी है, जल्दी से आ जाओ। तो मैं रामपुर से फौरी चल कर आ गया था। कैसी कंडीशन? कंडीशन अभी सही नहीं है इनकी, क्योंकि डॉक्टर बता रहे हैं गोली लगी हुई है इनके। क्या काम करते हैं? बुरखों का काम है। तो मुरादाबाद क्या करने की? मुरादाबाद किसी को पेमेंट देने आए थे, ये जहाँ से कपड़ा आता है। तो क्या पुराने किसी से कोई रंजिश वगैरह? नहीं, रंजिश तो किसी से कुछ नहीं है। किसी से कुछ है? ऐसे अभी कैसे बता सकते हैं किसी भी कुछ है? अब ये खुद ही बताएंगे जो भी बात है। सर, कटघर थाना क्षेत्र में अभी गोली लगने का मामला सामने आया, क्या पूरा मामला? थाना कटघर क्षेत्र के काशीपुर दुराहा क्षेत्र में सूर्यांश पब्लिक स्कूल के सामने एक व्यक्ति जो कि रामपुरगंज का रहने वाला है, दानी संसार नाम है इसका, इसको गोली मारी गई है। हम प्रारंभिक जांच कर रहे हैं और अभी इस मरीज को हम लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले आए हैं, अभी इलाजरत है। जांच के आधार पर जो भी तथ्य होंगे, जो भी तैयारी आएगी, उसके आधार पर अभी पंजीकृत करके आवश्यक विधि कार्रवाई की जाएगी। किस तरह से गोली लगी, कुछ जानकारी इसकी अभी तक मिल पाई है? अभी डॉक्टर साहब इसका इलाज कर रहे हैं, एक्सरे करवाया जा रहा है, एक्सरे से चीज क्लियर हो पाई गोली कैसे लगी, कहाँ लगी, गोली लगी, ये सारी चीज़ें मेडिकल से रिपोर्ट से ज़्यादा क्लियर हो पाएंगी।